देखिए दीप, ये कुछ हटके स्टॉक है, कैश का स्टॉक है, एफएनओ स्टॉक नहीं है। और ये है ईएमआई, ये बैंक की ईएमआई की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। कैश का स्टॉक है, ईएमआई 100 रुपए लगाए 150 रुपए ले जाए। आप सही समझे हैं, 156 का लॉन्ग टर्म टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है 105 रुपए का, 105। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, ये हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस की कंपनी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मेजर काम है, फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्टोर, 92 रिटेल स्टोर्स है। और ये प्लान कर रहे हैं अब एनसीआर में फोरे करने का, वहां पे स्टोर्स खोलने का। FY25 में करीबन 25% और मुनाफों में 18% का ग्रोथ हमने देखा, 5% का मार्केट शेयर है। और रिटेल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 स्टोर खोलेंगे ये साल में FY24 में, और 20 स्टोर खोलेंगे FY25 में। मुनाफे 27% CAGR से ग्रो होने की उम्मीद है। ईएमआई इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया पहली बार दे रहा हूं, कैश का स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक, 105 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 156 का लॉन्ग टर्म टारगेट, 100 रुपए लगाए 150 रुपए ले जाए। अरे ये भाई तो भर गई प्रभु आपकी, 105 यानी 103.50 तो आ गया ऑलरेडी, थोड़ा जी बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा एक सौ ऊपर। पांच अरे एक सौ थोड़ा, छह के अरे आसपास सिद्धा जी थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये 2-3 रुपए में कहाँ कहाँ मजा आएगा। नहीं अनिल जी, 105 से 110 के आसपास शॉर्ट टर्म जा सकता है, और अगर आप थोड़ा सा 3 से 6 महीने का अगर समय रखे तो 156 के भी टारगेट आ सकते हैं। ओके, 156 के टारगेट और 110 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए याद से रखें। ये है आपके लिए ईएमआई खरीदारी करने की राय। जीएन साहब जुड़ने को है तैयार उससे।